becomes clear what it means we answer the asked question. Why part? दूसरा हिस्सा है why part. इसको parts में तकसीम ना करना है. Introduction का paragraph एक ही रहेगा. Why part में simple है. Why I say so. मैं ऐसा क्यों कहता हूँ. Why के फिर दो हिस्से हैं. Positive side of life. नंबर टू है नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ. तीसरा है हाफ पार्ट, एंड वाला पार्ट आपके इंट्रोडक्शन का, मतलब हाउ आई प्रूव माय स्टैंड. आज सारी इस पे बहस है. इसी को हम कह रहा था उसे करने का. थैंक यू. लिख लें मुझे कोई जल्दी नहीं है. जब तक मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बनाना आगे नहीं जाऊंगा. कल मैंने वर्ड टू वर्ड एक पूरा इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह आपको लिखवाना है. लेकिन अगर आज आप इसे सीख जाएंगे तो कहीं भी कोई कोटेशनल ऐसे अगर लिखना पड़ा आप लिख लेंगे. कोटेशनल पे एंड नहीं है. प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे और आगे हम जनरल आर्गुमेंटेटिव भी पढ़ेंगे. मसला नहीं है. उनके भी इस तरह प्रोसीजर्स हैं इंट्रोडक्शन लिखने के. वेग नहीं कहूंगा कि जनरल लिखो, वेग सा स्टार्ट लो, एक थीसिस स्टेटमेंट लिखो. हर जगह आपको बताना है कि टेंजिबल चीज क्या क्या आप डिस्कस कर सकते हैं. इसमें तो ये तीन चीजें हैं जो इशू बेस्ड है. उसके अंदर छह चीजें हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन में. फिर आगे ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला हिस्सा भी है. आया कोई? चलो बंद कर दो फिर. लॉक कर दो रूम को. रूम को लॉक कर दो ताकि आप कोई आए तो हम अंदर नहीं आएंगे. टाइम चला गया ना. लिख लिया ये? कहीं कोई कंफ्यूजन वर्ड समझ नहीं आ रहा मेरे से पूछना, मैं बता दूं. क्लियर है? तो अभी ऊपर ही फिर है काम. प्रॉपर्टी ऐसे जी सर. गुड पार्ट क्या? What is my stance? हाँ पढ़ो इसको बताओ यार. What is my stance? We explain the statement. In our daily as it becomes clear what it means, we answer the asked questions. और बताना खाना. अच्छा पीछे रह गया था यानी छोड़ दिया यार पूछने के लिए. ठीक है हमारे सहन में कुछ नहीं था. देखें तीन चीजें मेरी तरफ देखें. मैं तो कहूंगा किसी भी ऐसे की टाइप आएगी अगर आप इन तीन चीजों को समझ जाएंगे आपके लिए ऐसे का इंट्रोडक्शन इट विल बी अ चाइल्ड्स हैव टू डू. तो पहला है व्हाट पार्ट. सीधी सी बात है व्हाट आई से. व्हाट इज माय स्टांस. व्हाट आई थिंक अबाउट द टॉपिक. आई भी तो हमें यूज नहीं करना. यानी जो स्टेटमेंट दी गई है मेरे मुताबिक ये क्या है. हाउ आई परसीव इट. तीन चीजें ना. व्हाट आई से, व्हाय आई से सो. What I say, मैं ये कहता हूँ. Why I say, so मैं ऐसा क्यों कहता हूँ. Reasons, मैं ऐसा क्यों कहता हूँ. How I prove my point, ये तो वही है. Left hand side is equal to, and hence it can be said that introduction के end वाला part. इस पे लिखें 7-8 sentences आप लिखेंगे. इस पे 10 sentences लिखेंगे. 4-1 sentences इस पे लिखेंगे. ये लिख लें याद रहेगा. अभी मैं 4-5 examples आपके सामने दूंगा ताकि clear हो जाए. आपको पता चले व्हाट पार्ट क्या है, व्हाई पार्ट क्या है, हाउ पार्ट क्या है, और व्हाई में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ किस तरह है. तो कितने व्हाई पार्ट होगा? 7-8 सेंटेंसेस, 9-10 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस, तकरीबन ये 20 जा बनेंगे. इतने तो लिखने 100 नंबर का पेपर है सर. 20 सेंटेंसेस का पैराग्राफ होगा. इंट्रोडक्शन होगा ना. खाना कम से कम 300 वर्ड्स तक जा सकती है बात.
ठीक है खान, उसको पता चले ना जरा दमखम है ना, डेप्थ है ना बंदे में जो लिख रहा है, एनालिसिस जो कर रहा है, जो बात कर रहा है, उस बात को ये मनवा सकता है। 100 नंबर का ऐसे उसका इंट्रोडक्शन है, उसी 50 नंबर के ऐसे वाला या जो हम शॉर्ट ऐसे लिखते हैं उसका तो नहीं है 7-8 सेंटेंस में मुकाबला। और ये जो बात प्रोवर्बियल होती है इस पे तो ज्यादा बात करनी पड़ती है, क्योंकि बात ऑलरेडी एक क्या कहेंगे एक कॉन्सेप्ट है ना उसके पीछे, उसको अनअर्थ करना। अब टेंशन छोड़ दो और टेंशन वाले फेसेस खत्म करो, ये लाइट चीज है, इसको समझना बहुत आसान है। व्हाट पार्ट में मैं कहता हूँ, व्हाट इज माय स्टांस, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक क्या है, इस टॉपिक को मैं किस तरह एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मैं इस टॉपिक के बारे में क्या सोचता हूँ, इस स्टेटमेंट को पढ़ के मेरे जहन में क्या आया है, व्हाट इज माय आइडिया ऑफ द स्टेटमेंट। वी एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन अ वेरी, इस बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की थी, एज इट बिकम्स क्लियर व्हाट इट मींस। स्टेटमेंट को हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं बगैर ये बताए कि जिसका मीनिंग ये है ये है ये है, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है उसको एक्सप्लेन करके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्सप्लेन कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं स्टेटमेंट को। सर एक क्वेश्चन तो आपके लिए है, उसको आपने आंसर करना है। वाई पार्ट ऊपर मैं क्या कहता हूँ, वाई मैं क्यों कहता हूँ, हर जगह पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ और नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ, ये दोनों चीजें आपने डिस्कस करनी है। हाउ पार्ट एंडिंग पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन है, हाउ आई प्रूव माई स्टांस, हाउ आई मेक इम्पैक्ट, हाउ आई से के जो भी ऊपर मैंने बात की है सही और इसी तरह बात करनी है। इस तरह बात नहीं समझ आएगी। आप लिखिए All that glitters is not gold, सर ये why part में दोनों लिखने हैं positive और negative। हाँ positive और negative side of life। इसमें ख्याल करना है। ये नहीं लिखना कि narrative और counter narrative। Thought बदल नहीं देनी, ठीक है? Narrative और counter narrative बात इस तरह करनी है कि वो आपके ही stance को support कर रही हो। अभी मैं बात करूँगा ना clear हो जाएगा। लिखें All that glitters is not gold, या appearances are deceptive। लिखें ना। चार पांच मैंने ये टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने हैं, बताने इसका व्हाट पार्ट ये है, व्हाई पार्ट ये है, हाउ पार्ट, ताकि प्रैक्टिकल योर एग्जांपल होगी, प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन होगी, बात समझ आएगी, वरना नहीं आनी। हमें तो डराते थे, लिखो ही ना, आप नहीं डरना, 3 साल तो आप नहीं घबराए, 2 साल और ना घबराए प्लीज। पता नहीं कैसा पठान आप लोगों ने, रोजाना बेगम से पूछता मैं वजीर आजम हूं ना। चलो आप चिल भी कर दिया, मुड़ को इधर आप गौर से मेरी तरफ देखें, बात को समझें। All that glitters is not gold। पहले तो बात, वो कह रहे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, गोंदल अदर वेख, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, यानी के बहुत सारी ऐसी मेटल्स हैं वो चमकदार होती हैं लेकिन उनकी गोल्ड की तरह वर्थ तो नहीं होती ना, यही है ना। हर चमकने वाली चीज को अच्छा प्यारा सोना नहीं समझ लेना चाहिए, बात यही है। क्या व्हाट पार्ट होगा कि हम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें या अपना स्टांस बताएं कि मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए। गौर की इधर देखें, आप कहेंगे कि गोल्ड जो है प्रेशियस मेटल है, जितना महंगी गोल्ड जितना महंगा बिकता है कोई भी नहीं बिकता, ठीक है? इसी तरह इंसानों में, चीजों में, कॉन्सेप्ट्स में, आइडियाज में, ठीक है, इवन बहुत सारी चीजें, रोड के ऊपर पानी नजर आने में, अपेरेंटली ये जो हमारे फिजिकल फीचर्स है, हमारा फेस है, इसकी बेसिस के ऊपर देख के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई चीज है, इंसान है, उसकी वर्थ क्या है। अगर तो कोई चीज है उसकी क्वालिटी कोई देखेगा ना, अगर एक इंसान है उससे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, अगर कोई फिनोमिनन है, आइडिया है, पीछे कंसेप्ट है, उसे एनालाइज करेगा तो उसे पता चलेगा ना कि रियल वर्थ एक चीज की क्या है, ठीक हो गया? तो इसीलिए कहा गया ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज, हर ब्यूटीफुल नजर आने वाली चीज, अपेरेंट चार्म, लस्टर ऑफ पर्सनालिटी, उसकी बेसिस के ऊपर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि उसकी वर्थ कितनी है, इंसान का किरदार कैसा है, उसके इंसान के जो डीड्स हैं, उसके जो इंटरेक्शन है दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के साथ, उससे डिटरमिन होगा कि वो सोने जैसा इंसान है या नहीं है। तो इंसान जो है अगर ही जंप्स टू द कंक्लूजन ईजिली और वो जल्दी जल्दी फैसले करता जाता है अपेरेंट खदोखाल देख के, अपीयरेंसेस देख के, तो ऑफन उसे फिर शिकस्त का और डिसेप्शन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया हम एक ऐसी ग्लैमर की दुनिया में रह रहे हैं जहां जो फेसेस होते हैं वो वैसे नहीं होते, फेसेस के पीछे कई फेसेस छुपे होते हैं। चलो ये आपका व्हाट पार्ट है, व्हाई पार्ट हो गया, मुझे मैं उधर जाना चाह रहा था, वो नुसरत फतेह अली खान की गजल थी ना, मेरे चेहरे को चेहरा कब इनायत कर रहे हो, मुझे याद आ रहा। व्हाई पार्ट,
मैंने ऊपर क्यों कहा है कि जी अपरेंट जो किसी भी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या लुक है या लस्टर है या शाइन है वो डिसाइड नहीं करती कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो चीज प्रेज़वर्दी है, ठीक है, नहीं है। मैंने क्यों कहा? मैंने कहा था कि इसमें पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ और नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ डिस्कस करेंगे। बाय पार्ट शुरू हो गया आपका। आप कहेंगे दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, वाइज और अनवाइज। वाइज लोग जो है वो जल्दबाज नहीं होते, वो जिंदगी में हेस्टी डिसीजंस नहीं करते। उन्हें पता होता है कि किसी भी इंसान को जांचने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए कुछ टाइम दरकार होता है। वो लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं, उनके साथ अपना इंटरेक्ट करते हैं, डीलिंग्स करते हैं। ये सारा काम करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि कोई भी बंदा, कोई चीज, कोई बंदा इस काबिल है कि उसके साथ रिलेशन बनाया जाए, कोई चीज ऐसी है उसे इस्तेमाल किया जाए, खरीदा जाए, कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है उसे बारो किया जाए, उसको उसको वैलिडेट किया जाए, उसे माना जाए कि सही है या नहीं है। ऐसे लोग हमेशा जिंदगी में कामयाब होते, डिसेप्शन का सामना नहीं करना पड़ता। वो रियलिस्ट होते हैं, उनको पता होता है कि इंसान की वर्थ उसके किरदार में है, इंसान क्या है, ये नहीं कि इंसान कैसा दिखता है। अब नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ में आप क्या लिखेंगे? मेरे जैसे लोग लिखेंगे ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी हेस्टी होते हैं बाई नेचर, फैसले जल्दी करते हैं, अपरेंट ब्यूटी, चार्म, पॉलिश्ड मैनर्स, ठीक है, डिसेप्शन को देख के फैसला कर देते हैं, उनके फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। ऐसे लोग लाइफ में रिपेंट करते हैं, दे आर नॉट गुड डिसीजन मेकर्स। वो चाहे फिर ब्यूरोक्रेट हों, हेड ऑफ स्टेट्स हों, हेड ऑफ फैमिली हों, लाइफ में भी फैसले वो अच्छे नहीं करते और ना ही उन्हें कामयाबी मिलती है। हाउ आई प्रूव माई स्टांस, ऊपर सारी बात हो चुकी है। आप कहेंगे कि हम एक एवर, इधर देखें, एवर चेंजिंग वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ जिस वर्ल्ड ये टेक्नोलॉजिकल एरा है, टेक्नोलॉजी ने इंसानों की आइडेंटिटीज जो है ऑल्टर कर दी है। ये फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि जिसके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, कर रहे हैं, जो आइडेंटिटी वो शो कर रहे हैं वो वैसा है या नहीं है। इसलिए बहुत सारी ऐसी मेटल्स हैं जो शाइन करती हैं, दे कैन नॉट बी टेकन, दे कैन नॉट रिप्लेस द गोल्ड। उनको गोल्ड समझना बेवकूफी होगी। तो अपीयरेंसेस, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो फ्लैशली ब्यूटी है, डॉक्टर इधर, फ्लैशली ब्यूटी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चली जाती है। तो इसलिए इंसान को कोई डिसीजन करना है, कोई काम करना है, तो वो फिर किसी भी चीज की अपीयरेंस को देखकर फैसला ना करे, वो डिसीजन फिर ठीक होगा। और इसीलिए कहा गया ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। रिलेशंस जो बिल्ड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ट्रू म्यूचुअल फीलिंग्स की बेसिस पे, नहीं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैशली ब्यूटी, फिजिकल फीचर्स, दे डाई, दे आर अर्ली डेथ। वो रिलेशंस लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, क्योंकि जिस लालच, जिस इंटरेस्ट के ऊपर रिलेशंस बिल्ड किए जाते हैं वो तो खत्म हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब एक और लिखें सर, ये वर्क पार्ट में डायमेंशन कैसे सेट करनी है, मतलब हमने किस साइड पे जाना है? वो तो बात ये होगी कि आप कोशिश करेंगे हमेशा पॉजिटिव साइड पे जाएंगे सर, जैसे कि लाइफ हो गई है या पॉलिटिक्स हो गए, तो हम आपकी मर्जी है कोई भी डायमेंशन पकड़ लें, क्या फर्क पड़ता है, कोशिश करें लाइफ हो, क्योंकि लिटरेचर इज द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, लिंक कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वो आपकी अपनी चॉइस है और वो डिपेंड करेगा आपके अपने बैकग्राउंड के ऊपर, आप चीजें कैसी पढ़ी, आपने लाइफ को कैसे देखा है, आपकी परसेप्शन। लेकिन वर्ड पार्ट को समझना जरूरी है, मैं क्या कहता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ, मैं कैसे अपनी बात मनवाता हूँ, ये तीन चीजें इंट्रोडक्शन में अगर आपको याद रही ईजी होगा। इधर देखें, छोड़ दें प्रोवर्बियल ऐसे को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ब्लेसिंग और अगर जनरल बात है, मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ब्लेसिंग है, ठीक है, उसने इंसान की जिंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां ऐसी लाई हैं, पहले इंसान स्टोरेज में रह रहा था, लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो गई है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ लोग अपने नेफेरियस डिजाइंस के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो उसमें टेक्नोलॉजी का कोई कसूर नहीं है। इट इज वन थिंकिंग विच मेक्स इट सो, जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा। मैं क्यों कहता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ब्लेसिंग है, पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ, नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ आप डिस्कस कर सकते हैं ना। पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब आई है उसने इंसान की लाइफ को कैसे रेवोल्यूशनाइज कर दिया, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, सोशल मीडिया, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, कितना आसान बना दिया आपका। जब पेंडेमिक आया तो बिजनेस आपका उसी के ऊपर चल रहा था, अदरवाइज तो बिजनेस और दुनिया खत्म हो गई होती।
नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ, उससे पहले क्या हाल था? बिजनेसेस इतना आसान थे, डेटा तक रसाई थी, नॉलेज तक थी, ये वर्चुअल क्लासेस होती थी, क्या इंसान एक दूसरे से इतना कनेक्टेड थे? नहीं थे ना। लेकिन अब दोबारा आते हैं, कंफ्यूज ना करें, अभी प्रोवर्बियल ऐसे भी आज बात है, व्हाट व्हाई हाउ पार्ट। सर नेगेटिव साइड वो देनी है जो बेसिकली उसके सपोर्ट में हो। शुक्र है। हाँ हाँ, आइडिया अपने आइडिया को रद्द ना कर दीजिएगा, लिखें और एक और लिखें ना, प्रोवर्बियल लिखवाने सारे लिखो, टेक केयर ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। जल्दी करो, जल्दी चलोगे तो मैं ज्यादा बताऊंगा चीजें। टेक केयर ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। विलियम शेक्सपियर का कोट है ये। स्टेटमेंट को देखिए, क्या कह रही है स्टेटमेंट, समझिए। वो कह रहे टेक केयर ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, यानी आपका जो हाल है उस हाल अपना इसका ख्याल कीजिए, फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा। यही है ना, समझ आ गई है ना बात? तलहा सो तो नहीं रहा? नो सर। अब व्हाट पार्ट, गौर करें। आप कहेंगे कि जो पास्ट है वो गुजर चुका हुआ है, फ्यूचर का इंसान को पता नहीं है। इंसान अगर कुछ लाइफ के अंदर करना चाहता है, फील्ड कोई भी हो, जैसे वो कह रहा है पॉलिटिक्स हो, इंजीनियरिंग हो, साइंस हो, या जो भी, ओवरऑल प्रेजेंट इंसान के पास अवेलेबल है। अगर वो चाहता है कि लाइफ में एक्सेल करे, तरक्की करे, अपनी हालत बदले, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, या अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए। डेंटिस्ट मेरी तरफ देखना है, मेरे चेहरे की तरफ देखेंगे तो बात समझ आएगी, मुंह नीचे रख के बात नहीं समझ आने होती। कंसेप्ट बनाया जा रहा है, मुश्किल काम होता है बहुत। व्हाट पार्ट, पास्ट निकल चुका हुआ है, फ्यूचर का किसी को पता नहीं है, प्रेजेंट इंसान के पास अवेलेबल है। तो प्रेजेंट में इंसान अगर जो जो स्टेप्स उठाता है, पास्ट से लर्न करके प्रेजेंट में जो स्टेप्स उठाता है, उसी का फ्रूट उसको मिलना है उसके फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए प्रेजेंट की बहुत ज्यादा अहमियत बताई गई है, कि इंसान ऐसा ना हो कि डे ड्रीमर हो, प्लान्स तो उसके बहुत से अच्छे हों, पास्ट से उसने कुछ सीखा ना हो, प्रेजेंट अपनी यूजलेस एक्टिविटीज में जाया करता जाए, वक्त जाया करता जाए, और कहे कि फ्यूचर उसका ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लाइफ में प्रैक्टिकल होना पड़ता है, जो भी सर्कमस्टांसेस, जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी वेज आगे जाने के आपके पास अवेलेबल होते हैं, उनको आपने यूटिलाइज करना होता है, ताकि आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाए। मैं अभी एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा, वो आगे जाके चलेंगे। मैंने क्यों कहा, अब मैंने कह दिया ना कि टेक केयर ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। मैंने एक स्टांस अपना लिया, एक डायरेक्शन मैंने ले ली। बाय पार्ट, पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ, नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ। फिर आप कहेंगे दुनिया में दो तरह की नेशंस हैं, बंदों से मैं हट जाता हूं, कहेंगे सेम तरह की खिचड़ी है। दुनिया में दो तरह की नेशंस हैं, प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल, नेगेटिव माइंडेड पॉजिटिव माइंडेड। पॉजिटिव माइंडेड नेशंस जो हैं, वो पॉलिसीज ऐसी बनाते हैं 50 साल को कैटर फार करती है वो। क्या उनके जो प्लानर होते हैं, वो प्लानर जो होते हैं, वो प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो पॉलिसी वो बनाने जा रहे हैं, क्या उसके फ्रूट्स भी उन्हें फ्यूचर में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आने वाले वक्त में प्रेडिक्ट करते हैं हमें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और हमारी आने वाली जनरेशन को किस तरह जो है उनकी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसी नेशंस दुनिया को रूल कर रही हैं, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, एजुकेशन में, वो हर लिहाज से आगे हैं। लेकिन नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ, ऐसी नेशंस जो अपने पास से नहीं सीखती, जहां ज्यादातर डिक्टेटोरियल रिजीम्स हों या कुछ भी हो, कैसा भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, फ्यूचर आने वाले वक्त को देखकर पॉलिसी मेकिंग नहीं करते कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, कि कितना हमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे, एजुकेशन को हमने किस तरह आगे लेकर जाना है, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी। वक्त गुजरता चला जाता है, पास्ट उनका गुजर गया होता है, प्रेजेंट वो जाया कर देते हैं इल एडवाइज्ड पॉलिसीज बनाने में, फ्यूचर उनका ऑटोमेटिकली डार्क होता है। ऐसे नेशन तरक्की नहीं कर सकते। हाउ पार्ट, हम एक प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर रह रहे हैं, पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल का सामना इस वक्त कर रहा है, ये मसाइल जो हैं बड़े पुराने हैं। अगर पास से आपके पॉलिसी मेकर्स, आपके रूलर्स, आपकी अवाम अगर पास से लर्न करते हैं, प्रेजेंट में रॉबस्ट पॉलिसीज बनाते हैं, करप्शन का नारा लगाया जा रहा है, करप्शन को खत्म कर देते हैं,
तो आपकी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर जो है वो आपसे बेहतर होगा, लेकिन अगर इसी तरह चलते रहे तो फ्यूचर क्या होगा? डार्ट होगा। एक और लिखें, बस दो और बस बर्दाश्त कर लें। सर क्वेश्चन है, हाँ सर, आपने कहा जिस तरह नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ को पॉजिटिव वे से दिखे हैं, जिस तरह आपने डायग्नोशन जो आपने मतलब प्रेजेंट का भी नहीं ख्याल रखी वो फ्यूचर में नहीं स्पॉइल हो जाती है, इस तरह इसका नेगेटिव वे क्या होगा? मतलब ये तो पॉजिटिव वे में आप बता रहे हैं। हाँ, तो हमने अपने टॉपिक को ही हिसाब जाहिर है करना है ना, सपोर्ट करना है। नेगेटिव क्या, तुझे ये बता दूं कि अपना अपना जो है प्रेजेंट का ख्याल ही रखना चाहिए, बस डे ड्रीमर बन के रहना चाहिए। दोनों आइडियाज आपके मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स ऑफ लाइफ है ना। एक प्रैक्टिकल है वो पॉजिटिव माइंडेड है, एक इम्प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल है, पॉलिसीज भी सही नहीं बना रहा, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा लाइफ की? उस आइडिया की पॉजिटिव नेगेटिव साइड ही डिस्कस करनी। When life throws a lemon, make lemonade. लिखो यार आगे। अच्छा मेरे मुंह से निकल गया है। जी लिखें अपना, honesty is the best policy. Honesty is the best policy. मैं क्या कहता हूँ इसके बारे में, मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं कि भाई what is my stance, मैं इसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो कहता है कि लाइफ में बेस्ट पॉलिसी जो है ऑनेस्टी है, और ऑनेस्ट रहना चाहिए, चाहे आप नेशन है, इंडिविजुअल है, ऑफिसर है, वेंडर है, वट एवर यू आर। मैं क्या कहूँगा इसके बारे में, मैं ये कहूँगा कि 21st सेंचुरी जो है ना इज एन एरा ऑफ डिसेप्शन, ठीक है। लोग नॉर्मली ये देखा जाता है कि मीन्स की परवाह नहीं करते, यहाँ एंड्स जस्टिफाई द मीन्स वाला प्रिंसिपल है, कि चाहे फेयर या फाउल मीन्स इस्तेमाल करने पड़े इंसान तरक्की कर जाए। सारे लोग जो है वो दे वांट टू बिकम रिच ओवरनाइट, हर बंदा चाहता है हमारे जो है हालत बदलती बदल जाए, जिसकी वजह से करप्शन, डिसऑनेस्टी ये बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, अगर कोई तरक्की कर भी जाता है फाउल मीन्स को इस्तेमाल करके, किसी को डिसीव करके या चीट करके, फ्रॉड किसी भी तरीके से, वो एवरलास्टिंग नहीं होती, पीस ऑफ माइंड इंसान को नहीं मिलता, कंशियंस बार बार नॉक करता रहता है, ठीक है। और इंसान जो है एट द एंड ऑफ द डे अगर वो एक्सपोज हो जाता है तो फिर वो सारी तरक्की जो है जाती रहती है। इसीलिए कहा गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो बता रहा हूँ अगर कोई स्टेट्समैन है, अगर कोई ट्रेडर है, वेंडर है, ओवरऑल डीलिंग्स ऑफ लाइफ है, अगर तो लोग एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट हैं, ट्रूथफुल हैं, सच बोलते हैं, तो साफ जाहिर है तभी अपना ऑनेस्टी को प्रमोट किया जा सकता है और तभी तरक्की हो सकती है। फिर मैंने बार बार बता रहा हूँ पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ नेगेटिव। अब गौर कर यहाँ तो क्या लिखेगा, यही लिखेगा ना कि एक ऑनेस्ट आदमी की लाइफ कैसे होती है, एक डिसऑनेस्ट आदमी की लाइफ कैसे होती है, ठीक है। मेन आइडिया से ना टकराने लग जाए। आप लिखेंगे ना एक ऑनेस्ट आदमी है, उसकी राह बड़ी कठिन होती है, जैसे वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा ना कि आई हैव ट्रेवल्ड द वन I have chosen the one less traveled by, and that has made all the difference. पढ़ा है किसी ने ये? आपने पढ़ा है? तो honesty की जो रास्ता होता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तकलीफें आती हैं। आजकल की दुनिया में तो ऐसे लोगों को लोग पागल भी कहते हैं, बेवकूफ भी कहते हैं, लेकिन जो लोग honest होते हैं, truthful होते हैं, pious होते हैं, सही तरीके से जो तरक्की करना चाहते हैं, चुप करके अपने रास्ते पे चलते जाते हैं, मुश्किल, तकलीफें, failures बहुत आते हैं, लेकिन रियल सेंस में ऐसे लोग ही कामयाब होते हैं। नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ, मैं नेशंस की भी बात कर सकता था, करप्ट और इनकरप्टेबल नेशंस की बात आ सकती थी, लेकिन इंडिविजुअल भी है। अब एक बंदा है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, वो अपना नेगेटिव चैनल्स, नेगेटिव सोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है, तो हो सकता है कि उसकी तरक्की भी जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स होता है, हवा का थोड़ा सा भी एक विल विंड टाइप आती है तो गिर जाती है, ऐसी तरक्की हॉलो होती है। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर लोग इस चीज का ख्याल नहीं करते, उन्हें इस चीज का ख्याल करना चाहिए। हाउ आई प्रूव माई स्टैंड, अगर तो इंसान चाहता है कि वो न सिर्फ अपनी बेटरमेंट के लिए काम करे बल्कि दूसरों की बेटरमेंट के लिए भी काम करे, और माशरे के अंदर एवर लास्टिंग जो है अपना प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ठीक हो, जो डिविजन ऑफ लेबर है वो भी ठीक हो, जो जितना काम करता है उसको उतना उसका सिला मिल जाए, ऑनेस्टी को ही एज अ पॉलिसी
एज अ नेशन हो, एज अ कंट्री हो, या ओवर आर वर्ल्ड में इंसानों को ऑनेस्टी को ही एज अ बेस्ट पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसी के अंदर ही ह्यूमैनिटी के जो है रियल सक्सेस और रियल सर्वाइवल छुपा हुआ है। लिखे एक और, नेवर 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 के बाद खत्म करते हैं इसके बाद इसे। जल्दी करो, ये कर लोगे तो फिर तीन चार छोटे मोटे भी बता दूंगा, जल्दी जल्दी बताता जाऊंगा ना। कितना टाइम हो गया है? अब ये पांच पेपर में से है, नेवर 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 गिव अप, यानी कि किसी भी तरह के आपकी जिंदगी में हालात आए तो आपने गिव अप नहीं करना, यही है ना। वर्ड पार्ट में मैं क्या कहूंगा? इधर डॉक्टर साहब आप छोड़ दें, बात बन गई हुई है, बात आपको समझ आ गई है। नेवर 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 गिव अप, वो कह रहा है कि कभी भी आपने तर्क नहीं करना। आप यही लिखेंगे ना कि इंसान की लाइफ स्मूथ नहीं है, सही है ना? अप्स एंड डाउन आते हैं ना, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, ट्रायल्स आते हैं लाइफ के अंदर। बाज़ोकात इंसान वो हर चीज़ हासिल करने में कामयाब हो जाता है जो वो करना चाहता है, लेकिन उस वक्त तो बहुत खुश होता है, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टांसेस, कुछ ऐसे मामला, हालात भी इंसान की ज़िंदगी में आते हैं कि जो भी वो ज़िंदगी में हासिल करना चाहता है उसे नाकामी देखनी पड़ रही होती है। उसे लगता है कि तमाम चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, सारी दुनिया उसका रास्ता काट रही है, रोक रही है। उसे लगता है कि नाउम्मीदी की जो एक फिजा है वो कायम हो सकती है। इस तरह के जो सरकमस्टांसेस होते हैं, इस तरह के जो हालात होते हैं, वो इंसान की स्किल का, उसके टैलेंट का, उसके एक्यूमेन का, उसके विजडम का, उसके पेशेंस का रियल टेस्ट होते हैं। तो इस तरह के हालात में इंसान को क्या करना है? गिव अप कर देना है ना, छोड़ देना है ना, नहीं करना ना। जिंदगी में वो सारी चीजें हासिल करने में कामयाब हो जाएगा अगर वो ये नहीं करेगा। स्टैंड कायम कर दिया कि अगर मुश्किलात आए लाइफ में तो गिव अप नहीं करना। मैंने ये क्यों कहा? पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ में इधर देखें, आप कहें दुनिया में बहुत सारे लोग गुजरे हैं, ठीक है, नंबर वन ग्रेट लोग जिन्हें हम पढ़ते हैं, जो रियल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, जिनकी लोग एग्जांपल्स देते हैं, तो उनकी लाइफ जो थी वो पीस ऑफ केक नहीं थी, स्मूथ नहीं थी। जब भी उनकी लाइफ में मुश्किलात आई, परेशानियां आई, तो वो रुके नहीं, हजार दफा फेल होने के बावजूद भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। काम जारी रखने की वजह से उन्हें वो सक्सेस भी मिली जिन्हें दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो अगर वो गिव अप कर देते तो वो तरक्की ना करते। अब जो उन्होंने इन्वेंशंस की, उन्होंने आइडियाज कॉइन किए, उन्होंने जो अपना रिफॉर्म्स लाई, उन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। ऐसे लोग ही रियल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और हम उनकी बात कर रहे हैं आज। नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ, कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ जो है स्मूथ सेल हो, लेकिन लाइफ इज नॉट अ स्मूथ सेल। वो कहते हैं कि पलक झपकते विद इन द ब्लिंक ऑफ एन आई जो हासिल करना चाहते हैं वो कर लें। ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर जब मुश्किलात, तकलीफें या परेशानियां आती हैं तो वो गिव अप कर देते हैं, दे गिव अप ऑन देयर गोल्स। ऐसे लोग नाकाम हो जाते हैं, किसी के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं होते, तारीख के पन्नों में उनका नाम नहीं लिखा जाता, वो हमेशा के लिए मिटा दिए जाते हैं, लोग उनको भूल जाते हैं। ऐसे लोगों का कोई हिस्सा नहीं है तारीख के अंदर, वो किसी को इंस्पायर करने के काबिल नहीं होते। हाउ पार्ट, आज भी दुनिया के अंदर अगर कोई शख्स अपनी हालत बदलना चाहता है, अगर कोई नेशन अपनी हालत बदलना चाहती है, आसान नहीं होगा। लेकिन अगर कोई गिव अप नहीं करेगा, इंसान दुनिया के अंदर जैसे आया है तो गिव अप करने के लिए नहीं आया। इंसान ने तमाम सीक्रेट्स जो थे यूनिवर्स के, नेचर के, उन सबको जो है अनअर्थ किया है इस वजह से, गिव अप ना करने की वजह से। तो अगर तो वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ का भी इंसान को सामना करना पड़े, उसे गिव अप करने की जरूरत नहीं है। अब एक और लिखिए, तो भी इंट्रोडक्शन लिखता था, इफ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल द आयरन डू। अब जल्दी जल्दी जरा बताऊंगा, इफ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल द आयरन डू, इफ गोल्ड रस्ट्स What shall the iron do? कह रहा है कि अपना जो आयरन है वो तो ब्रोन टू रस्टिंग है ना, लोहे को तो जंग लगता ही लगता है, अगर सोने को जंग लगना शुरू हो गया तो बर्बादी हो जाएगी ना। वर्ड पार्ट में आप क्या कहोगे कि जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं माशरे के अंदर, हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ फैमिली है, कोई भी लोग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके कंधों के ऊपर, रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर रहे हैं,
उनका इमेज जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है माशरे के अंदर, ठीक है। अगर तो वो लोग सही तरीके से चल रहे हैं तो माशरा सही तरीके से चल रहा होता है। अगर वो लोग भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाएं, अगर एक घर का सरबराह खराब हो जाए तो पूरा घर डूब जाएगा ना। इसीलिए कहा गया ना, इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल द आयरन डू। इसलिए पीपल सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जो स्वीट कनेक्शन को चला रहे हैं अल्लाह की रहमत से, उनका बड़ा रोल है। अगर वही मिकदार खराब करने लग जाएंगे तो काम खराब लोग नहीं आएंगे फिर। मैंने ऐसा क्यों कहा? अब फिर आप फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड नेशंस की बात करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर रूलर्स जो हैं ऑनेस्ट हैं, वो अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं, देर अकाउंटेबल टू पीपल। उन्होंने सिस्टम इस तरह बना दिया है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, उनके मिलिट्री जनरल्स हों, उनके पॉलिटिशियंस हों, उनके रूलर्स हों, वो जवाब दें। वो पॉलिसी मेकिंग करते वक्त, कोई भी काम करते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि अगर उन पर कोई दाग लग जाए उनकी शख्सियत पे, उससे पूरी सोसाइटी इफेक्ट होती है। यानी ऊपर से जब ऑनेस्टी है तो नीचे तक उन्होंने तरक्की की है। नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ, थर्ड वर्ल्ड नेशंस की अगर हम बात करते हैं, थर्ड वर्ल्ड नेशंस के अंदर रूलर्स ही करप्ट हैं। तो करप्ट रूलर्स कैसे लोगों को कहेंगे वो सही हो जाएं? रूलर्स के अंदर कई खामियां पाई जाती हैं, वो सही पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकते, मसाइल को हल नहीं कर सकते, तो इस वजह से वहां तरक्की नहीं हो रही और लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। हाउ पार्ट इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल द आयरन डू। तो फिर पहले वाली बात वही मैं आपको जो पहले बताई थी कि कहीं भी एक इंसान है, अगर उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर उसको इज्जत दी गई है, उसे कोई रूलर इलेक्ट किया गया है, या उसे कोई बताया गया कि उसने एक प्रोजेक्ट चलाना है, तो उसको वो काम सही तरीके से करना है, क्योंकि जितने भी उसके नीचे लोग काम कर रहे होंगे वो सारे उसको फॉलो करेंगे। अगर तो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, सारा दिन बैठ के फतवा देते हैं, लेकिन खुद ही वो नेगेटिव और माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली रस्टिंग और जंग लगना शुरू हो जाएगा। एक आखिरी भी लिख लें, When life throws lemon, make lemonade. ये ना कहें कि what, why, how में हम फंस गए हैं, confusions भी हमने दूर किए हैं दरमियान में। When life throws lemon, make lemonade. When life throws you lemon, make lemonade. Lemon क्या है? Citrus fruit है। Lemonade शिकंजबीन को कहते हैं। ये गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए जो आप पीते हैं, स्क्रीन से भरी हुई आपको पिलाता है वेंडर खड़ा भाई, और आप कहते हैं वाह वाह कितना एनर्जी ड्रिंक आपने पिया। लास्ट चांस बता रहा हूँ, अंडरस्टैंड करना है पहले टॉपिक को, मैंने आपको बता दिया। वो कह रहे हैं कि अगर लाइफ आपको डिफिकल्टीज आपके सामने भेजती है, उन डिफिकल्टीज को अपॉर्चुनिटीज में चेंज करें और एक्सेल करें। इधर क्या लिखेंगे, इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत सारे नशे व फरेज फ्राज आते हैं, और जहां हैप्पीनेस इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, वहां उसे डिफिकल्टीज का सामना भी करना पड़ता है। अगर तो इंसान डिफिकल्टीज को जो है अपना एज चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है, उन डिफिकल्टीज में भी उसे रोशनी की एक किरण नजर आ रही होती है, तो वो इंसान जो है तरक्की कर जाता है। और वैसे भी लाइफ तो इतनी आसान नहीं है, अगर इंसान डिफिकल्टीज से घबरा जाएगा तो वो रुक जाएगा, और लाइफ का तसलसल इंसान की तरक्की, कौमों की तरक्की इस तरह रुक जाएगी। तो डिफिकल्टीज जब भी आए, जब भी आपके दरवाजे पर नॉक करें, उनका मुकाबला इंसान करे और उन्हीं में से देखे कि उसे कहां कहां अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ताकि वो अपनी ही फील्ड ऑफ लाइफ में एक्सेल कर सके। बाय पार्ट पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों डिस्कस करनी है। आप कहेंगे दुनिया में दो तरह के लोग हैं, नंबर वन पॉजिटिव माइंडेड पीपल, ठीक है, वो सिर्फ सक्सेस के नारे नहीं बजाते रहते, जब भी अपना सर्कमस्टांसेस टफ वर्स चैलेंजिंग उनकी लाइफ में आते हैं, वो उन चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस का मर्दानावार मुकाबला करते हैं, उनसे लड़ते हैं, अंधेरे में भी रोशनी की किरण ढूंढने के लायक होते हैं। ऐसे लोग कहेंगे ना कि एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये भी लिख सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी बदल देते हैं, ऐसे लोगों को ही फॉलो किया जाता है। नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ, कुछ लोग ऐसे हैं जो डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ से डरते हैं, फियर है उनके अंदर, एग्जाम देना है तो फियर है, फेल हो जाएंगे, परेशानी का सामना नहीं कर सकते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, हमारी मदद कर दें, ये मसला हल कर दें, ये कर दें, ऐसे लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हाउ पार्ट इधर गौर से जिंदगी में आज भी 21st सेंचुरी के अंदर देखें, पाकिस्तान की तरफ दोबारा चले चलते हैं, बहुत सारे मसाइल का सामना आपको करना पड़ रहा है।
अगर इन मसाइल के अंदर जितना भी अपॉर्चुनिटीज इस सिस्टम को ठीक करने के लिए आप एक्सट्रैक्ट करने के काबिल हो जाए तो इस सिस्टम को सेट कर सकते हैं, गवर्नेंस ठीक हो जाएगी, पाकिस्तान को छोड़ भी देते हैं, हम कहेंगे कि इंसान जो है इज अ सुपीरियर क्रीचर ऑफ गॉड, इंसान को यहाँ रूल करने भेजा गया है, वो गवर्न्ड होने या रूल होने नहीं आया, उसने फिनोमिनन ऑफ लाइफ को खोलना है, नेचर को, यूनिवर्स को डोमिनेट करना है, स्पेस तक जाना है, उसमें फिर परेशानियां, तकलीफें, मसाइल, नाकामियां तो आएंगी ना, ठीक है? तो वो जो मुश्किलात, परेशानियां, नाकामियां उसके सामने आती हैं, उनमें रोशनी की एक किरण अगर इंसान देखता है तो वो फिर स्पेस को कंकर करेगा और फिर वो मिशन परसेवरेंस भी भेजेगा और वो परसेवरेंस जोन का जो है वो तस्वीरें लेकर भी भेजेगा और तरक्की हो जाएगी। ये तीन चीजें जहन में रखनी है। ये इतनी बड़ी डिस्कशन करने का मकसद ये था कि आपके माइंड में किसी किस्म की जो है अपना कंफ्यूजन आपके माइंड में किसी किस्म का ना रहे, अदरवाइज तो ओवरऑल ही बता दिया जाता व्हाट आई से, व्हाई आई से, सो हाउ आई प्रूव माय पॉइंट। ये तीन चीजें माइंड में रखनी है, सिर्फ ये कि एक जनरल लिख दें फिर एक थीसिस स्टेटमेंट दे दें। क्या लिखें जनरल, क्या लिखें, व्हाट इशू है, क्या स्टेटमेंट है, क्या मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, व्हाई मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, रीजंस, लॉजिक क्या है मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू के पीछे, हाउ किस तरह मैं अपनी बात मनवाता हूँ, इम्पैक्ट मैं किस तरह बनाता हूँ। ये तीन बातें याद रखनी है। कल ये होगा कि कल इंशाल्लाह मैं आपको पूरा एक इंट्रोडक्शन लिखवाऊंगा, व्हाट पार्ट, व्हाई पार्ट, हाउ पार्ट, वर्ड टू वर्ड डिक्टेशन है कल। व्हाई और हाउ पार्ट तो इजी लग रहा है, व्हाट पार्ट जो है ना स्टार्ट हमेशा मुश्किल होता है। बस वरक यानी व्हाट पार्ट, अपना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, गौर करें इधर बार बार इसको भी समझा देते हैं। देखो ना स्टेटमेंट आई है, फॉर एग्जाम्पल एक हम आसान सी स्टेटमेंट कहते हैं, क्वालिटी ऑफ मर्सी इज डिवाइन, ठीक है, रहम की जो ये क्वालिटी है, रहम करने की डिवाइन अल्लाह ताला की क्वालिटीज में से। समझना टॉपिक, अब इसके बारे में आप जो भी जो आपका आइडिया है वो आपका वर्ड पार्ट है ना, उस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो, वे आपका अपना होगा, मेरा अपना होगा। ये वही जगह है, अगर मैं आप देखें मैंने आपको कहा था हिट द टारगेट डायरेक्टली एंड देयर इज नो नीड टू गो इररिलेवेंट, यहां टारगेट को आपने डायरेक्टली हिट करना है, स्टेटमेंट को डिस्कस कर देना है, यहां बता देना है कि आपका स्टैंस क्या है, थीसिस स्टेटमेंट भी यही दे देनी है पहले चार पांच सेंटेंसेस में, इधर उधर की नहीं हांकनी। देखो ना जब आप एग्जाम में बैठे होगे, अगर आपके सामने एक टॉपिक आ जाता है तो टॉपिक के बारे में कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप होगी ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो होगा ना कि मैंने इन लाइन पे इस टॉपिक को लिखना है, वही आपका वर्ड पार्ट। जो करना चाहे मतलब मैं अगर लिखूंगा, इधर गौर करें, नेवर 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 गिव अप की, तो शुरू शुरू में मैं क्या लिखूंगा, या व्हेन लाइफ थ्रोज यू लेमन मेक लेमोनेड, मैं यही लिखूंगा ना कि सच मोमेंट सकता इन अप्स एंड डाउन्स ऑफ अ मैनस लाइफ व्हेन ही कंप्लीटली लूजेस होप, समटाइम्स द पर्सन इज अनएबल टू गेट व्हाटएवर ही डिजायर्स, ही फेसेस डिफिकल्टीज एंड एडवर्सिटीज इन लाइफ, ऑल द ऑड्स ऑफ लाइफ स्टैंड अगेंस्ट हिम एंड ही फील्स एज इफ द होल वर्ल्ड कंस्पायर्ड To fail him. फिर मैंने मोड बना दिया ना, फिर मैं कहूंगा ना, whenever such kind of situation arises in man's life, it is preferable for him not to lose heart, but to extract opportunity out of every difficulty of life, to get whatever he desires. Sir, hope or positive note पे करेंगे? साफ जाहिर है, अपनी बात को जब आप पॉजिटिव नेगेटिव की बात तो हम नहीं कर सकते, वो आपके स्टांस को वैलिडेट करेगा कि जो भी बात मैंने की है वो सही है। सर आपने एक मिनट बात की टॉपिक में नेचर के बारे में या फिर इंसान के बारे में, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हम कंडीशन देखते हैं या फिर हम उनको लेते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। खान ने यही क्वेश्चन किया था शुरू में कि हम किस फील्ड ऑफ लाइफ को दें, बात ये आज वो तो किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से बात हो सकती है, लेकिन मेन जो आपका टॉपिक होगा वो तो वही होगा।
हर बंदा अपने एंगल से साफ जाहिर बात करेगा, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है दुनिया को देखने का, किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ का कर दे। अब खान अगर इंजीनियर है, व्हेन लाइफ थ्रोस लेमन मेक लेमोनेड, हो सकता है कि वो शुरू हो जाए कि बड़े बड़े इंजीनियर्स थे, उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें बनाई। सुने ना, एडिसन की बात शुरू कर दे, अपनी बात है ना, कि वो बल्ब बनाना चाहता था तो इतने अटेम्प्ट उसने किए, फेल हुआ, फेलियर को उसने अपॉर्चुनिटी समझा और वो कामयाब हो गया। हर बंदे का अपना तरीका है ना लिखने का। मैं यहाँ अभी एग्जाम्पल डाल देता या आपको कहता हम किसी वाक्य से स्टार्ट कर लें, यहाँ बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन जब आएगा डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू आर एट अ रनिंग स्ट्रीम, वहां कौन सा तू वाक्य लिखेगा बताए ना। हर जगह नहीं चल सकता, तो कोई भी तरीका हो सकता है। अभी तो मैंने एग्जाम्पल्स भी नहीं दी, इनके पास बड़ी एग्जाम्पल्स हैं, हम दे सकते हैं एग्जाम्पल, आगे नहीं देनी, आगे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी इसकी, ये तो अभी इंट्रोडक्शन पे आप फंसे हुए हैं। कम से कम आपके पास 14-15 से 20 के करीब आइडियाज तो होंगे डिफरेंट तरह के, 20 एक आपने बॉडी पैराग्राफ लिखने, वो भी है, वो मंडे को है इंशाल्लाह जिंदगी है, तो वो पढ़ेंगे। फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल जनरेटिंग आइडियाज, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी तरफ मैं सोचूं तो फौरन मेरे पास आइडियाज आ जाएं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फिक्र ना करें, 4-5 तो एग्जाम्पल्स के पैराग्राफ आ जाने, इतना मुश्किल नहीं है प्रोवर्बियल ऐसे को लिखना इतना मुश्किल नहीं है। बाकी वो जो आप बात कर रहे हैं हाउ पार्ट, जब हम प्रैक्टिस करेंगे 4-5-6 भी लिखेंगे आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो लेक्चर में एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट बनाया है, कि कम से कम इनको पता हो कि इंट्रोडक्शन के पहले 7-8 सेंटेंसेस में इन्होंने टॉपिक को इस तरह एक्सप्लेन करना है पढ़ने वाले के लिए, ये मुकम्मल वाजे हो जाए कि आपने सही बात की है और आप क्या कहना चाहते हैं। बाय पार्ट में उसके लिए आसान हो जाएगी पढ़ना, आपने ये बात क्यों कही है। फिर हाउ पार्ट में उसके लिए आसान हो जाए कि किस तरह आपने अपनी बात को प्रूव किया है। ये बात वाली बात है, चुप करके कमरे से बाहर चले जाइए। फेलियर ये वही बात बता रहा है कि आउटलाइन बनाएंगे उसके इंपॉर्टेंट ग्लिम्पसेस यहाँ मार देंगे, वो भी तू कर नहीं, लेकिन मुझे वो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट पढ़ाने दे, तेरे लिए आसान हो जाएगा। जाओ भागो। सर एक जनरल क्वेश्चन है सर, नॉर्मली ये कहा जाता है कि प्रोवर्बियल जो ऐसे होता है उससे दूर ही हुए हैं। देखो ये डिफिटेस्ट एटीट्यूड रखना, अगर तो कोई ऐसा प्रोवर्ब आ गया आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप लिखाएंगे। सर नॉर्मली कहा जाता है कि आपका लिटरेचर का बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है, लाजमी नहीं है कि सारी लिटरेचर की बातें होनी है ब्रो इसमें। आप पढ़े लिखे नहीं, आपको नहीं पता अगर आ जाए नेवर 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 गिव अप पे तो क्या लिखना है। मंडेला की लाइन में जब आया तो उसने क्या किया, कायद ने कैसे नहीं गिव अप किया, और रॉबर्ट ब्राउस वाली स्टोरी, वो चुंटी, बहुत सारी बातें, कम ऑन, लिटरेचर सबने पढ़ा हुआ है, ये एक्सक्यूज नहीं करते, फेलिंग एक्सक्यूज। चलो अब बात खराब हो रही है, व्हाट डू आई हैव, व्हाट आई से, व्हाई आई से सो, हाउ आई डू माय जॉब। अब तो ये सच्ची पत्ती वाली क्लास करने का खराब आज तो नहीं कर।